कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ बच्चों, आज का यही टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, है ना। लेकिन आज के बाद जो है आपके लिए जटिल नहीं होगा बच्चों, इतना आसान कर दूंगा कि देखते देखते आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो बच्चों देखने में क्या हर्ज है, तो लिखा जाए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब कहता है रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि सिंगल स्टेप में संपन्न होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को ओपन कीजिए, आसानी से सीखें। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या इसी को कहेंगे मल्टी स्टेप, है। यानी कहने का मतलब हुआ जो सेवरल स्टेप में संपन्न होता है। यानी फर्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे सच रिएक्शन आकर्ष इन सेवरल स्टेप वेयर ईच अ स्टेप इज एलिमेंट्री। कहता है कि इस प्रकार की रिएक्शन जो है कई स्टेप में होता है, लेकिन प्रत्येक स्टेप जो होता है एलिमेंट्री होता है। इसके बाद मोलेकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये तो बच्चों पहले भी बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलेकुलरिटी को डिफाइंड नहीं करता है। इसके बाद मोलेकुलरिटी ऑफ ईच अ स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिफाइंड। कितना अजूबा है बच्चों, है ना, कि वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जब मैकेनिज्म कर देते हैं, कई स्टेप में संपन्न हो जाता है, उसके बाद प्रत्येक स्टेप के मोलिकुलरिटी को डिफाइन करता है। इसके बाद रेट लॉ गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें जो होता है रिएक्शन कई स्टेप में होता है, कहता है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, है वही रेट लॉ को संपन्न करता है, और वही जो होता है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हमेशा याद रखिए। इसके बाद देयर विल बी इंटरमीडिएट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई हो सकता है ना, यहां ऐस कर दीजिए। इसके बाद रिएक्शन के रेट लॉ में इंटरमीडिएट बच्चों अपीयर नहीं होता। अब इसको हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे आर है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, सपोज दैट इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान लेते हैं। इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आपको देखने की आवश्यकता है, देख लीजिए और उसके बाद कभी नहीं भूलिए। इधर जो है रिएक्शन कोऑर्डिनेट है,
यहां जो है बच्चों आपका रिएक्टेंट है, यहां आपका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में एनर्जी अगर थोड़ा सा दिए तो ये जो है सीधे भागेगा ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर भागेगा, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट टीएस, टीएस, है ना। इसके बाद जैसे ही एनर्जी घटेगा कचाक सा नीचे गिरेगा, है ना, उसके बाद फिर एनर्जी को गेन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। अब कहता है रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट के बीच जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एनर्जी घटा बच्चों, सीधे गिरा, इसका मतलब कोई स्टेबल चीज बन रहा हो, मान लिया वो स्टेबल चीज आपका ए बन रहा है, फिर ए जो है एनर्जी को फिर गेन किया, फिर ये ऊपर चढ़ा, फिर ये टीएस ट्रांजिशनल स्टेट हो गया, है ना। यानी ए दोनों के बीच के एनर्जी को फिर ईए कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। फिर धड़ाम से गिरा, इसका मतलब एनर्जी कम हुआ, यानी कोई स्टेबल चीज बनाया, यहां जो है आपका बी बना, है ना। अभी फिर एनर्जी को गेन किया, फिर चढ़ा, और चढ़ने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया, है ना। यानी ए भी आपका ट्रांजिशनल स्टेट हो गया और इसको कहेंगे ई ए। यानी खुद देखिए कितना स्टेप में हुआ, यानी आर जो है पहले तो ए बनाया, ए जो है बी बनाया, और बी जो है क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। अब इसको देखिए, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बना रहा है आर डैश पी, वही चीज आ गया कि नहीं। अरे अब इसमें तीन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, इंटरमीडिएट को बना रहा है, है ना। अब कहता है कि इसमें कौन जो है सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, कैसे आप पकड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, वो क्या है आपका एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इसमें क्या है, मैक्सिमम है, और ये दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम है, है ना। तो जिसमें मैक्सिमम है ना, वही आपका स्लो स्टेट होगा, और वही जो है आपको आर डी एस रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होगा, हमेशा याद रखिएगा। और इसी का जो है बच्चों हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, यानी आर रेट, रेट इजकल टू के आर कंसेंट्रेशन ऑफ आर पर पावर वन, इसका ऑर्डर फिर होगा वन, जो भी रहे 1 2 3 4 5, है ना। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे है रिएक्शन 2NO2 प्लस F, ए बना रहा है 2NO2F, है ना। ए जो है आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, है ना। इसका मैकेनिज्म है NO2 प्लस F2, ए बनाएगा NO2F प्लस F, है ना। इसके बाद है NO2 प्लस F NO2F, यहां देखिए, है ना, यहाँ F है, यहाँ F है, दोनों कैंसिल होगा, फिर रिएक्शन आपका यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। ए जो है आपका बच्चों लिखा हुआ है स्लो स्टेप, और ए जो है आपका फास्ट स्टेप, और इसमें क्या है पूछ रहा है, रेट लाओ, रेट लाओ, ऑर्डर, ऑर्डर मोलेकुलरिटी, मोलेकुलरिटी। अब मोलेकुलरिटी की बात करें तो दोनों स्टेप में मोलेकुलरिटी क्या है, दो है, ये तो खुद देख रहे हैं, एक मोल, है ना, इसमें भी एक मोल, एक मोल, है ना। अब रेट लॉ जो है, रेट लॉ हम लोग स्लो स्टेप को देखेंगे, यानी रेट बराबर के के NO2 पर पावर वन F2 पर पावर वन, है ना, एक मोल है, एक मोल है, दोनों, है ना। अब यहां ऑर्डर लिखेंगे क्या, 1 1 2, और मोलिकुलरिटी प्रत्येक स्टेप का क्या होगा, दो दो, यही है बच्चों आज का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।